सो हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू मम्मी बी। बच्चे के एसेंशियल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है आपका प्यार। मदर, फादर एंड रिलेटिव्स अपने बच्चे को किस करना नॉर्मल है, लेकिन साथ ही साथ मदर एंड फादर को अपने बच्चे को हर तरह की खतरनाक बीमारियों से बचाना भी ज़रूरी है। वन ऑफ द की पॉइंट यू शुड कंसिडर कि बच्चे के मुंह या उसके आसपास के एरिया पे आप किसी को भी किस ना करने दें, खास करके शुरुआती के 6 महीने के अंदर। 6 महीने के दौरान जो बच्चे का इम्यून सिस्टम होता है वो काफ़ी वीक होता है, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि वो इम्यून सिस्टम उनका उस टाइम तक डेवलप नहीं हुआ होता है। तो इस कारण से क्या हो सकता है कि किसी के भी किस करने से आपके बच्चे जो है वो बीमार पड़ सकते हैं। तो किस करने से होने वाले इन्फेक्शन से आपके बच्चे को बचाना बहुत ज़रूरी है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपके बच्चे को किस करने से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है, या फिर किन किन कंडीशंस में आपके बच्चे बीमार पड़ सकते हैं। तो मेरी वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, नहीं पसंद आता तो प्लीज़ डिसलाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ बेल आइकन को हिट ज़रूर करें, क्योंकि बेल आइकन आपके फ़ोन पर सबसे पहले ही नोटिफिकेशन देगी। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है कोल्ड सोर, जैसे कि फीवर ब्लिस्टर या ओरल हर्पिस। तो ये बीमारियां जो है वो आपके बच्चे को किस करने से हो सकती है, जैसे कि उनके लिप पे या फिर लिप के साइड ऑफ लिप पे, अदर पार्ट ऑफ फेस पे भी हो सकती है, जैसे नोज, चिन, चेक। तो प्लीज़ अगर आपके घर में या फिर आपके रिलेटिव या आपको अगर कोल्ड सोर है तो इस चीज़ को प्लीज़ अवॉइड कीजिए। सेकेंड, रेस्पिरेटरी इलनेस ड्यू टू रेस्पिरेटरी वायरस। इस वायरस से अफेक्टेड लोग अगर आपके बच्चे को किस करेंगे तो मेनली आपके बच्चे को लंग इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। तो प्लीज़ अवॉइड किसिंग हैबिट। थर्ड, फूड एलर्जी। बहुत सारे बच्चे को फूड एलर्जी होती है जो कि आपको पता नहीं होता है, जैसे कि मुझे भी नहीं पता था कि मेरी बेटी को हींग से एलर्जी है। वो तो मुझे बाद में पता चला कि उसे हींग से एलर्जी है। तो अगर कोई भी इंसान अगर आपके बच्चे को किस करता है और इस चीज़ का ध्यान नहीं देता है कि उसके फेस पे फूड पार्टिकल्स लगे हुए हैं, और वो आपके बच्चे को किस करता है, तो हो सकता है उस फूड पार्टिकल्स की वजह से आपके बच्चे को एलर्जी डेवलप हो सकती है। सो प्लीज़ अवॉइड किसिंग हैबिट। फोर्थ, इंक्रीज द रिस्क ऑफ कैंसर। बच्चे जब जन्म लेते हैं तो बहुत सारे लोगों को मन करता है कि उसको गोद में लूँ, उसे प्यार करूँ, कुछ काढ़ूँ, उसे किस करूँ। तो इस चीज़ का ध्यान देना है आपको मेनली कि जो भी लोग बच्चे को अगर पकड़े हैं तो उनके फेस पे, या फिर आप भी अगर अपने बच्चे को अगर पकड़े हैं तो उन आपके फेस पे मेकअप नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेकअप में क्या होता है कि बहुत सारे केमिकल से मिला होता है और मेकअप में कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस होते हैं। तो उससे क्या होता है कि अगर वो कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस अगर आपके बच्चे के स्किन में अगर ट्रांसफ़र हो जाती है तो आपके बच्चे को कैंसर होने का खतरा बन सकता है। सो प्लीज़ अवॉइड किसिंग हैबिट। फिफ्थ, किसिंग डिजीज़। किस करने के दौरान सलाइवा का ट्रांसफ़र होता है, और सलाइवा में मोनोन्यूक्लियोसिस नाम का जो एक वायरस है वो पाया जाता है। तो ये जो वायरस है वो आपके बच्चे में अगर ट्रांसफ़र हो जाती है तो ये किसिंग डिजीज़ जो है जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, ये किसिंग डिजीज़ आपके बच्चे की मेनली रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्वॉल्व करता है। सो प्लीज़ अवॉइड किसिंग हैबिट। सिक्स, कैविटीज़। अगर किसी के मुंह में उनके टूथ पे कैविटी है तो प्लीज़ अवॉइड करवाइए किसिंग हैबिट को, क्योंकि किस करने के दौरान सलाइवा का ट्रांसफ़र होता है और उसमें सलाइवा में यानी कि स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस बैक्टीरिया मिलता है। तो ये जो बैक्टीरिया है वो बाद में जाकर के आपके बच्चे में कैविटी डेवलप करता है। सो प्लीज़ अवॉइड किसिंग हैबिट। सेवन्थ, वीकेंड इम्यून सिस्टम। आपके बच्चे की इम्यून सिस्टम ऑलरेडी वीक होती है, तो जब भी आप अपने बच्चे के पास उनको टच या फिर किस करने से पहले खुद को सैनिटाइज करें, हैंड वॉश करें, तभी जाकर के आप अपने बच्चे को लीजिए, क्योंकि आपके बच्चे की इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं होती है। और आप अपने बच्चे का इम्यून सिस्टम अगर डेवलप करना चाहते हैं तो आप उनको रेगुलर वैक्सीनेशन ज़रूर कराइए, जो कि आपके वैक्सीनेशन कार्ड पे दी होती है कि कब कौन कौन से महीने में वैक्सीनेशन इम्पॉर्टेंट है। ये तो हमने बात कर ली कि क्या क्या बीमारियां हो सकती है आपके बच्चे को किस करने से। अब हम बात करेंगे कि क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए अगर आप अपने बच्चे को किस करना चाहते हैं। तो सबसे पहला ध्यान रखना है कि जब भी आप किस करें या फिर कोई भी किस करें तो उनको अपना ओरल हाइजीन मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है।
नेक्स्ट है कि आप अपने बच्चे का भी ओरल हाइजीन मेंटेन ज़रूर रखिए, क्योंकि जब वो लार गिराते हैं तो उस टाइम में उन्हें बहुत सारे इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है। तो ध्यान रखना है इस चीज़ का कि जब भी वो लार गिराए तो उन्हें आप स्वाइप अप करते जाएँ। नेक्स्ट है अपने बच्चे को रेगुलर बाथ दें। नेक्स्ट है अपनी बीवी को छूने से पहले अपना हैंड वॉश ज़रूर करें। नेक्स्ट है वाइप्स को ज़रूर यूज़ करें अपने बेबी का मुंह फेस को क्लीन करने के लिए। बच्चों के यूटेंसिल्स यानी कि उनके बर्तन को या उनके बॉटल को अलग करके रखें ताकि उसे कोई भी हाथ ना लगा सके। नेक्स्ट है जिन लोगों को फीवर इन्फ्लुएंजा कफ इंटेस्टाइन की बीमारी है उस केस में आप अपने बच्चे को उनके पास लेकर के बिल्कुल भी ना जाएं। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन, आप खुद को अपने फैमिली फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को एजुकेट ज़रूर करें कि बच्चे को छूने से पहले या किस करने से पहले क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए। सो मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर के ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए थैंक यू सो मच। और इस चीज़ का ध्यान आपको हमेशा रखना है कि आपको अपने बच्चे को किस करने से पहले, उन्हें टच करने से पहले क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आप अपने फैमिली फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करें ताकि उन्हें भी पता चले कि बच्चे में क्या क्या बीमारियाँ हो सकती है किस करने से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए मोटिवेशन के साथ। सो स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।